हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा आज होगी। बोर्ड की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस परीक्षा में अंग्रेजी पास नहीं होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी परीक्षा देंगे। उनकी परीक्षा सिरसा के आर्य समाज रोड स्थित आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 9 बजे होगी। प्रदेश भर में 110 परीक्षा केंद्रों पर 45,121 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से 57 फ्लाइंग टीमों का गठन किया गया है। ओम प्रकाश चौटाला ने परीक्षा के लिए उम्र के हिसाब से लिखने के लिए सहयोगी मांगा है। साथ ही उनके हाथ पर चोट भी लगी हुई है। बोर्ड ने उनकी मांग पर लिखने के लिए सहयोगी को मंजूर कर दिया है। रियलेट सहित 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रदेश के 45,121 विद्यार्थी 18 और 19 अगस्त को परीक्षा देंगे। इसके साथ ही दोपहर की शिफ्ट में डीएलएड की परीक्षा होगी। शिक्षा बोर्ड की तरफ से पिछले दिनों 12वीं की ओपन परीक्षा का परिणाम 34% नंबर देते हुए जारी किया गया था। परिणाम जारी होने पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सहित 6 छात्रों का परिणाम रोका गया था। इसकी मुख्य वजह थी कि पूर्व मुख्यमंत्री सहित बाकी परीक्षार्थियों ने अंग्रेजी से परीक्षा पास नहीं की थी। शिक्षा बोर्ड के नियमानुसार 10वीं में अंग्रेजी पास होने वाला परीक्षार्थी ही 12वीं पास कर सकता है। उस नियम के तहत परिणाम को रोक लिया गया था और अब बुधवार को होने वाली परीक्षा में पूर्व मुख्यमंत्री परीक्षा देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव हितेंद्र कुमार ने बताया कि डीएलएड सहित 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रदेश के 45,121 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसके साथ ही दोपहर की शिफ्ट में डीएलएड की परीक्षा होगी। प्रदेश भर में 110 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिनमें नकल रोकने के लिए 57 फ्लाइंग टीमों का गठन किया गया है। इस परीक्षा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी परीक्षा देंगे।